आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चरक के प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके पहले भी मैंने चरक के बाकी प्रोडक्ट्स की वीडियो अपलोड की है, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं चरक गम टोन जेल के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं तो इसके अंदर है खदीर, बबूल, वज्रदंती और कपूर। ये जेल मसूड़ों को मजबूत करता है, मसूड़ों से खून के बहने को रोकता है, इसका एंटीसेप्टिक एक्शन जम से लड़ता है और कैविटी को रोकता है, डेंटल प्लाक को बनने से रोकता है, मसूड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, सांसों की दुर्गंध को रोकता है और दांतों का पीलापन हटाने में और उन्हें सफ़ेद बनाने में मदद करता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पर चरक पिगमेंटो टैबलेट के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बकुची, विदंगा, शरपुंखा और नीम। ये टैबलेट स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती है। ये टैबलेट एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करती है। इसके आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर पर कॉग्नियम टैबलेट को। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ब्राह्मी, अश्वगंधा, ज्योतिषमती और शंखपुष्पी। ये टैबलेट ब्रेन की हेल्थ को बढ़ावा देती है, एडेप्टोजन के रूप में काम करके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है और एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। इसके आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर ओजस टैबलेट के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्वा, हरितकी, चित्रक और शुंठी। ये टैबलेट ब्लोटिंग फीलिंग और पेट की परेशानी से राहत दिलाने में मदद करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बोवल मूवमेंट को रेगुलेट करती है, डकार, सूजन और इनडाइजेशन से राहत दिलाने में मदद करती है और एसिड रिफ्लेक्स को कम करने में मदद करती है। इसके आगे हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर सिस्टोलिब न्यूट्रा टैबलेट के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एलो, सिनामन, मायोइनोसिटाल। तो ये टैबलेट पीकोस वाली महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म में सुधार और वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है, हेल्दी साइकिल बनाए रखने में मदद करती है, चेहरे के बालों, बालों के झड़ने, मुहासे और पीकोस के अन्य लक्षणों को कम करने में मदद करती है और स्ट्रेंथ और एनर्जी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं सिक्स नंबर पर आर्थरेला टैबलेट के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं निरगुंडी, शुंठी, शोनक और एरेंड तेल। तो ये टैबलेट जोड़ों की जकड़न को कम करने में मदद करती है, सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करती है और जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके आगे हम बात करते हैं सेवन्थ नंबर पर मैनोल कैप्सूल के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अमाला की, यष्टि मधु, गिलोय, गोक्षुर और अश्वगंधा। ये कैप्सूल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जी और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है और साथ ही थकान और कमजोरी को कम करने में मदद करती है। इसके आगे हम बात करते हैं एट नंबर पर सेफाग्रिन नेजल ड्रॉप के बारे में। तो इस ड्रॉप के इंग्रेडिएंट्स हैं जंबिरम स्वरस, शुंठी और यष्टि मधु। ये ड्रॉप म्यूकस को पतला करके नज़ल कॉन्जक्शन से राहत दिलाती है, नाक के म्यूकोजा में सूजन को कम करने में मदद करती है और आसानी से सांस लेने में मदद करती है। इसके आगे हम बात करते हैं नाइन्थ नंबर पर साइटोजन कैप्सूल के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कटुकी, कालमेघ, पुनर्नावा और अमाला की। ये कैप्सूल लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लीवर हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है, मतली, उल्टी और थकान को दूर करने में मदद करता है, भूख में सुधार करने में मदद करता है, लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और लीवर पर बीमारियों और शराब के हानिकारक प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं टेंथ नंबर पर इमोप्सोरा टैबलेट के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं गिलोय, हरिद्रा, परपटा और सरीवा। ये टैबलेट एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करती है, स्किन की खुजली, ड्राइनेस और स्केलिंग को कम करने में मदद करती है और साथ ही सोराइसिस में इम्यून फंक्शन को मॉड्यूलेट करने में मदद करती है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की चरक के 10 प्रोडक्ट्स के बारे में और साथ ही जाने उनके यूजेस और इंग्रेडिएंट्स को।
तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।